हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? सच? हाँ, और ये अस्त्र अमोघ है। कहाँ है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। देवकी का अष्टम पुत्र जो हमारा मारणहार है, वो कौन है? क्या ये वही है जो नंद का पुत्र बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, या कोई और है? मित्र, ये मति भ्रम करने वाली अवस्था है। इस बारे में किसी ने जवाब से कहा था, हम उससे सहमत हैं। कि वो मायावी बालक किसका पुत्र है ये जानने का प्रयास आप वृथा ही कर रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई आपको सत्य नहीं बताएगा। हाँ, कोई सत्य नहीं बताता। परंतु एक सत्य तो आपके सामने है। कौन सा सत्य? कृष्ण। कृष्ण? वही मायावी बालक जिसने बार बार आपके साथियों का विनाश करके यह सिद्ध कर दिया कि वही आपका वास्तविक शत्रु है। फिर क्यों किसी काल्पनिक शत्रु की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? अगर कोई ऐसा शत्रु है भी, तो जब वो सामने आएगा तो उससे भी निपट लिया जाएगा। परंतु अभी जो सामने हमारे शत्रु है, उसके विनाश की योजना क्यों नहीं बनाते? पर उसके विनाश की कोई योजना भी तो सफल नहीं होती मित्र। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक अस्त्र निष्फल हो जाए तो तुरंत किसी दूसरे अधिक शक्तिशाली अस्त्र को प्रयोग में लाना चाहिए। उससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र? ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? कहाँ है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। Thank you.
कृष्णा, कृष्णा, मेरे लाल। महाराज बाणासुर, कहो कहो आप क्या कहते हो? अब और कोई अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? है मित्र। कौन सा? प्रतीक्षा अस्त्र। प्रतीक्षा अस्त्र अर्थात? मित्र, इतिहास ये सिखाता है कि मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल की गति किसी को भी स्थिर नहीं रहने देती। मनुष्य कितना भी वीर हो, उसमें तीनों लोकों को जीतने की क्षमता हो, तो भी वो समय से नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। जब जब समय अनुकूल ना हो, तो कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी परिश्रम करो, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे विपरीत समय में बुद्धिमानी यही कहती है मित्र, कि मनुष्य को समय के सामने शीश झुकाकर शांत होकर बैठ जाना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह करिए कि उस बालक को भूल जाइए। भूल जाऊं? लो, भूल गया। फिर उसके बाद अपने अपने राज्य के कामकाज में लग जाइए। वैसे राजाओं के पास तो इस तरह मनोरंजन के सैकड़ों साधन होते हैं, उसमें रत हो जाइए। चलिए, हम आपको अपने राज्य में आखेट पर आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास आइए। हम आपका इस प्रकार से मनोरंजन करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। सब कुछ। तुम्हारी ये योजना हमें अच्छी लगी मित्र।